वालेकुम, वेलकम बैक टू माय चैनल। आज मैं आपके लिए बना रही हूँ मज़ेदार बीफ चपली कबाब। इसके लिए हमें जो चीज़ें चाहिए वो आप नोट कर लीजिए। ये मेरे पास बीफ का कीमा है, हाफ के जी के बराबर है। इसमें मैं डालूँगी हाफ कप ऑनियन, ये मैंने चॉप कर लिया है बारीक। और इसमें डालेंगे हाफ कप टमाटो, तकरीबन 2 से 3 जो है इसमें ग्रीन चिली, और ये सब्ज़ धनिया डालेंगे हम। 1 एग इसके अंदर डालेंगे, और इसके अंदर हम डालेंगे लहसुन अदरक का पेस्ट। और इसके अंदर जो चीज़ें बाकी ऐड करेंगे वो आप देख लीजिए। इसमें मैं डालूँगी तकरीबन 1 टीस्पून भर के गरम मसाला, 1.5 टीस्पून सॉल्ट, 1.5 टीस्पून चिली फ्लेक्स, 1/2 टीस्पून मैं इसमें डालूँगी ज़ीरा पाउडर। उसके बाद हम इसमें ऐड करेंगे 1/2 टीस्पून रेड चिली पाउडर, थोड़ी सी मैं इसमें हल्दी डालूँगी, 2 टीस्पून मैं इसमें डालूँगी कुटा हुआ धनिया, 2 चम्मच मैं इसके अंदर डालूंगी भर के ब्रेड क्रम्स के, और ये भुना हुआ बेसन है 2 चम्मच हम इसके अंदर डालेंगे। अब हम इसको बनाते हैं। डालूंगी तकरीबन 2 चम्मच लेमन जूस के। अब इसको बनाते हैं। पहले हम एक बाउल लेंगे, बाउल में हम ये कीमा ऐड कर देंगे। उसके बाद हम इसमें जो हमारे पास स्पाइसेस हैं वो सारे डालेंगे। इसमें हमारे पास मैंने आपको बताया है सारी स्पाइसेस, गरम मसाला, कुटा हुआ धनिया, चिली फ्लेक्स, गरम मसाला, ब्रेड क्रम्स, और ये मेरे पास जो बेसन है भुना हुआ, ये हम सारे मसाले इसके अंदर ऐड कर देंगे। सारे मसाले इसके अंदर चले गए। ये देखिए मैंने इसके अंदर सारे मसाले डाल दिए। अभी मेरे पास सब्ज़ मिर्चें और ये जो धनिया है ये मैं इसमें डाल दूँगी। इसके बाद मैं इसमें डालूँगी लहसुन अदरक का पेस्ट, ये तकरीबन 1 टेबल स्पून है। 1 टीस्पून लहसुन का पेस्ट है, 1 टीस्पून जो है वो अदरक का पेस्ट है। आप इसमें डाल दूँगी मैं ये ऑनियन, इनको डाल के देंगे। और जो हमारे पास एग है ये मैं हाफ इसके अंदर ऐड करूँगी। एग को बीट करके मैंने इसके अंदर एग डाल दिया है। अब मैं इसके अंदर तकरीबन 2 टेबलस्पून डालूँगी लेमन जूस। अगर आपके पास लेमन जूस नहीं है तो आप अनारदाना डाल दिए अगर आपको पसंद है। मुझे अनारदाना इतना पसंद नहीं है, सो मैं इसके अंदर लेमन जूस ऐड कर दिया है। अब हम इसको मिक्स करेंगे। मिक्स करके इसको हम तकरीबन 15 से 20 मिनट के लिए हम इसको रख देंगे, ताकि इसको ये जो चीज़ें हैं इनका फ्लेवर अच्छी तरह इसके अंदर आ जाए। और लास्ट में जब हम इसको फ्राई करने लेंगे फिर मैं इसके अंदर टमाटो ऐड करूँगी। ये देखिए स्पाइसी सारे इसके अंदर अच्छी तरह मिक्स हो चुके हैं। ये देखिए अब हम इसको रख देंगे, और लास्ट में मैं इसके अंदर ऐड करूँगी टमाटोज। उसके बाद फिर हम इसके पैटीज बनाएंगे और फिर हम इसको फ्राई करेंगे। ये हमारा कीमा मैरिनेट हो चुका है। अब मैं इसके अंदर डालूँगी ये जो मेरे पास टमाटोज हैं ये मैं इसमें डाल दूँगी। मैंने इसमें थोड़ी सी ब्लैक पेपर डाली है ताकि स्पाइसेस अगर आपको लगे कि कम है या ज़्यादा है तो आप इसको अपनी मर्ज़ी से एडजस्ट कर सकते हैं। मुझे थोड़ा स्पाइसी अच्छे लगते हैं इसलिए मैंने इसमें थोड़ी सी ब्लैक पेपर डाली है। अगर आप डालना चाहें तो आप डाल सकते हैं। अब हम इनको मिक्स कर लेंगे और इनके कबाब बना लेंगे। फिर हम थोड़ा सा वाटर लगाएंगे और फिर हम इसके पैटी बना लेंगे। इसे अपने प्रेस करके इसके अच्छे से पैटी बनाने हैं। ऑयल मैंने डाल दिया है तवे पर गर्म होने के लिए, और फिर हम इसको उसके अंदर फ्राई करेंगे। इस तरह हम इसके कबाब, चपली कबाब हम इसके बना लें। आप चाहे तो इसके ऊपर टमाटो भी रख सकते हैं। इस तरह हमने इसके प्रेस करके अच्छी तरह हमने इसके कबाब बना लेने हैं। मैं फिर आपको फ्राई करके दिखाती हूँ इनको। ये मैंने 6 इस साइज़ के कबाब बनाए हैं इसके। अब मैं आपको ये फ्राई करके दिखाती हूँ। हमने पैन में ऑयल डाला हुआ है, वो गर्म हो चुका है। अब इसको हम फ्राई करते हैं। ये देखिए मैंने ये तवे के ऊपर ऑयल डाला हुआ है। अब मैं इसको इसके अंदर रखूँगी, और आपने इसको मीडियम टू लो फ्लेम पे आपने इसको पकाना है। आपने इसको हाई फ्लेम पे नहीं पकाना, वरना आपका कीमा जो है वो कच्चा रह जाएगा और आपके कबाब जो है बाहर से गोल्डन हो जाएंगे या बर्न हो जाएंगे और अंदर से ये कच्चे रह जाएंगे। अब ये देखिए हमारे कबाब फ्राई हो रहे हैं। वैसे ही हम ये सारे रख देंगे और इनको हम मीडियम टू लो फ्लेम पर तकरीबन 3 से 4 मिनट एक साइड पकाएँगे, और फिर हम इसको टर्न करके दूसरी साइड कुक करेंगे। एक साइड हमारी कुक हो चुकी है और मैंने इसको फ्लिप कर दिया। अब हम इसको भी चेंज कर देंगे इसकी साइड को, और अब हम दूसरी साइड से इसको पकाएंगे। अच्छा कलर आ गया इसके ऊपर।
हमारे मज़ेदार बीफ कबाब रेडी हैं। अगर आपको मेरी रेसिपी पसंद आए तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, बेल आइकन पर क्लिक कीजिएगा ताकि मेरी आने वाली हर वीडियो आप तक पहुंच सके। नेक्स्ट वीडियो तक के लिए अल्लाह हाफिज़।